सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव और वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों का। तो रूबरू कराते हैं आपको खबरों से। मिजोर में पकड़ी गई नकली खाद बनाने की फैक्ट्री, ब्रांडेड कंपनियों के टैग लगाकर खाद से भरी बोरियां व दवाइयां बरामद। काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में मारपीट, सप्तऋषि आरती से पहले कपाट बंद हो रहे थे, दो श्रद्धालु अंदर घुसे, शुरू हुई हाथापाई। महाराजगंज में एसपी ने चलाया तबादला एक्सप्रेस, 9 इंस्पेक्टरों सहित 41 पुलिस कर्मियों का किया तबादला, 6 इंस्पेक्टर से छीनी थानेदारी। बाइक की स्पीड कम थी इसलिए सिर्फ हाथ पैर टूटे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के गड्ढे में गिरने से पहले युवक की दर्द से 4 घंटे तड़पता रहा। कावड़ मार्ग पर फोर व्हीलर की नो एंट्री, शिव भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने उठाया कदम। गुंडा में दबंगों ने गौशाला में किया तोड़फोड़, बैरिकेटिंग तार को काटकर गोवंशों को भगाया, महिला ग्राम प्रधान के साथ की मारपीट। नौ में धारदार हथियार से युवक की हत्या, खेत में पानी लगाने जा रहा था, हथियारों ने घेर कर गर्दन पर किया वार। पीलीभीत में पुलिस को कावड़ यात्रा रोकना पड़ा भारी, हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष बोले कावड़ यात्रा है शौक यात्रा नहीं, डीजे तो बजेगा। सुल्तानपुर में अधिकारियों पर कमीशन लेने का आरोप, प्रधान संघ अध्यक्ष बोले बिना कमीशन लिए अधिकारी पैसा नहीं पास करते। प्यार में धोखा पर सुसाइड का प्रयास, गिरफ्तार प्रेमी से पूछा क्या तुम शादी करोगे, ना बोलने पर कलाई काट ली। धार लगाते हुए बाघ ने कार सवार को दौड़ाया, पीलीभीत के जंगलों से गुजर रहे थे पर्यटक, महज 6 मीटर दूर था बाघ। बिजली की करंट लगने से युवक की मौत, घर से काम के लिए जा रहा था शहर, विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। डीएम ने कहा शासन के हिसाब से बनाया जाए तिरंगे, हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बना रही झंडे। रामपुर में तस्करों का गुस्सा, पुलिस ने छात्र पर निकाला हाथापाई कर भाग रहे आरोपी, तो मार मार कर तोड़ पीड़ित का पैर। फरुखाबाद में चाचा ने भतीजे को मारी गोली, मौके पर मौत, पिता की तय हुई शादी के खिलाफ था आरोपी, हत्या हुआ। हाथरस हादसे में 6 कांवड़ियों की मौत के बाद हाथरस के एसपी का ट्रांसफर, देवेश को मिली जिम्मेदारी। लखनऊ में पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल, माफिया गोरखपुर की हत्या के हैं आरोपी। आजमगढ़ में युवक ने मिर्जापुर में दी जान, 2 दिन पहले घर से निकला था, हॉस्टल में फंदे पर मिला शव। प्रतापगढ़ में कब्र से निकाला गया विवाहिता का शव, 12 जुलाई को बाजार से हुई थी गायब, मृतका की मां बोली ससुराल वालों ने की हत्या। ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा, झांसी में 950 रुपए खाते में भेजकर प्रेमिका को बुलाया, फिर गला दबाकर की हत्या। गाजीपुर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, हिस्ट्री शीटर विनय सिंह समेत 6 बदमाश गिरफ्तार, 2 हैंड ग्रेनेड बरामद, चेन्नई से बेचने के लिए लाए थे। भदोही में कुत्ते के भौंकने से पड़ोसी में हुआ विवाद, मारपीट में 7 लोग घायल, पड़ोसी को देखकर भौंकता था कुत्ता। अरिया में ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा, 3 गिरफ्तार, एटीएम बदल कर करते थे फ्रॉड, यूपीएमपी और राजस्थान में सक्रिय था गैंग। शराब के नशे में चाचा भतीजे का हाई वोल्टेज ड्रामा, भतीजे ने बाजार में चाचा पर बरसाई चप्पल, तमाशबीन बने लोग। बेटे और पिता का शव फंदे पर लटकता मिला, घर वालों ने पत्नी को बिना बताए किया अंतिम संस्कार, कब्र से निकाला बच्चे का शव। लखनऊ के एक घर में नाग ने डाला डेरा, 4 दिन पहले नागिन के काटने से महिला की हुई थी मौत, पकड़ने गए सपेरों के छूटे पसीने। हॉस्टल में पंखे से लटकता मिला छात्र का शव, आरआरसी में इंटरव्यू की बात कहकर घर से निकला था। रामपुर में पूरे गांव को खत्म करने की धमकी, लेटर में गृह मंत्री अमित शाह और 2 करोड़ के इनाम का जिक्र, जांच में जुटी एजेंसियां।
चार नहीं सात बदमाशों ने लूटे थे 40 लाख रुपए। बाइक के साथ स्कॉर्पियो में आए थे बदमाश, से खंडौली और फतेहपुर सीकरी से जुड़े रहता। फरुखाबाद में ट्रांसपोर्टर के घर चोरी, घर में रखे पैसे और जेवरात ले गए चोर, पुलिस जांच में जुटी। अलीगढ़ में अभी भी है विकास की उम्मीद, भाजपा सरकार धरनीधर सरोहर को नहीं किया गया पर्यटन स्थल घोषित। और ये एक बार एक बाइक सवार युवक को ईंट मारने का वीडियो हो रहा वायरल, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। अयोध्या में सावन झूला मेला और कांवड़ यात्रा को लेकर डीएम एसएसपी अलर्ट, सावन के दूसरे सोमवार पर बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रियों के आने की है उम्मीद। मिजोरम डीएम उमेश मिश्रा और एसपी दिनेश सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, निरीक्षण कर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दिया दिशा निर्देश। गाजियाबाद के एसएसपी ने कांवड़ सेवा शिविरों का किया औचक निरीक्षण, एसएसपी ने कांवड़ सेवा शिविर में शिव भक्तों का परोसा भोजन। हमीरपुर में 3 दिन हुई बारिश, शहर के कई नाले उफान पर, घरों में पानी घुसने में हजारों का हुआ नुकसान। संभल में सपा कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर सुप्रीम कोर्ट का किया आभार व्यक्त, आजम खान को राहत मिलने का कार्यकर्ताओं में जश्न। श्रावस्ती में जीएसटी व कोयले दरों में वृद्धि से भट्टा व्यवसायी नाराज, जो भट्टा व्यवसायियों ने पीएम को संबोधित ज्ञापन, जीप अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। अंबेडकर नगर में 24 घंटे के भीतर दो हत्या की, मामले में पुलिस ने किया खुलासा, हत्या करने वाले दोषियों को पकड़कर भेजा जेल। अयोध्या में किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, ट्यूबवेल की रखवाली कर रहे किसान, चारपाई के नीचे गिरा मिला शव। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी पर पुलिस का बड़ा एक्शन, बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी के 14.90 करोड़ की संपत्ति कुर्क। गोंडा में मोटरसाइकिल लूट की घटना करने वाले दो शातिर अभियुक्त तो पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, लूटी गई मोटरसाइकिल सहित जिंदा कारतूस बरामद। कानपुर में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा, घटना में कई लोग घायल, परिजन घायलों को काशीराम अस्पताल लेकर पहुंचे। रायबरेली में 3 साथियों के संग गंगा स्नान करने गया युवक गंगा नदी में डूबा, सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस व गोताखोरों ने शुरू की तलाश। गोंडा 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी, लुका छुपी खेलने के बहाने मासूम बच्ची को बनाया हवस का शिकार, परिजनों की तहरीर पर रिपोर्ट हुई दर्ज। छावसी में पंचायत उपचुनाव में भाजपा की बल्ले बल्ले, जुप सदस्य के रिक्त पद पर एक भाजपा का कब्जा। उन्नाव में रुपए के लेन देन के विवाद में किसान की हत्या, दबंगों ने किसान को लाठी डंडों से पीट पीट कर उतारा मौत के घाट, वारदात से गांव में दहशत का माहौल। कन्नौज में किसान की जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा, किसान को दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, बिजली तार सही करने पर ग्रामीणों से मांगे पैसे, लाइन मैन का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल। गोंडा में गांधी पार्क में पहले बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद नंगी तलवार का किया प्रदर्शन, फोटो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। शाहजहांपुर में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, शराब पीने और जुआ खेलने का शौक पूरा करने के लिए बन गए चोर। नोएडा में सुपरटेक के मालिक सहित 3 पर मुकदमा, लिफ्ट में महिला फंसकर घायल हो गई थी, बेटे ने शिकायत की थी। बिजनौर सड़क हादसे में ब्रश व्यापारी की मौत, स्कूटी स्लिप होने से हुआ हादसा, दूसरा साथी अस्पताल में भर्ती। गोरखपुर में जमीनी विवाद में 3 को मारी गोली, पहले चले लाठी डंडे फिर की ताबड़तोड़ फायरिंग। सिद्धार्थनगर में पुलिस विभाग की चाय पर चर्चा, चौकीदारों के घर जाकर अधिकारी पी रहे चाय, बढ़ा रहे मनोबल। मऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, सरयालंगकंसी के में पॉइंट नंबर 284.8 पर हुआ हादसा। मदाई में कुंडल लूटने का आरोप, पब्लिक ने पकड़ा चौकी, पुलिस ले गई 7 महिला का कुंडल लौटाया, जिम्मेदारी जता रहे अनभिज्ञता। हमीरपुर में NH 34 पर 2 ट्रकों में सामने से टक्कर, एक ड्राइवर की मौत, 2 गंभीर। ललितपुर में बेटे ने पिता को मारा चाकू, मौके पर मौत, पेट में चाकू मार किया घायल, जमीन का हिस्सा मांगने पर पड़ा विवाद।
दरोगा पर युवती से छेड़छाड़ का मुकदमा, मोबाइल पर करता था लव यू का मैसेज, महिला दरोगा पर भी रिश्वत लेने का केस। तेज धमाके के साथ जर्जर कोर्ट की दीवार गिरी, टावा में बारिश के चलते विशाल कैद दीवार गिरी, पांच वाहन समेत महिला मलबे में दबी। रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कोविड बूस्टर डोज टीकाकरण का किया शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री ने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई, रश्मि भी अदा की। अमेठी में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, एक पक्ष की तरफ से तीन लोग हुए घायल। अलीगढ़ आरएएफ कर्मी के फांसी लगाकर आत्महत्या करने से कैंपस में फैली सनसनी कारण बने हुए हैं अज्ञात। संभल में पेप्सी से भरे ट्रक की ट्रैक्टर से टक्कर, हादसे में दो घायल, ट्रैक्टर चालक ट्रॉली छोड़कर मौके से फरार। प्रतापगढ़ में अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, दबंगों के चंगुल से मुक्त कराया गया अवैध अतिक्रमण, दबंगों ने सरकारी जमीन पर किया था कब्जा। गोंडा में जालसाजी का शिकार हुआ युवक, प्रधानमंत्री योजना बताकर युवक से करीब 70,000 की ठगी, पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। धोती और कुर्ते में कावड़ियों की स्केटिंग, बोले ये शो हिंदू संस्कृति को बचाने का मैसेज, मुझे योगी का बुलडोजर एक्शन पसंद। कन्नौज में माहौल खराब करने वालों पर हुई कार्रवाई, गुंडा और मिनी गुंडा एक्ट के पाबंद किए गए 10 लोग, 725 वाहन के काटे चला। पीलीभीत में इंजन फटने से दो किसानों की मौत, धान के खेत में लगा रहे थे पानी, शरीर में जा धसे पुर्जे। रायबरेली में छात्रा ने युवक को मारी थप्पड़ और 25 डंडे, बोली ऑफिस ने मुझे स्कूटी से गिराया इसलिए पीटा, गिरफ्तार। आजम ने वापस मांगी जेड कैटेगरी सुरक्षा, पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने अपनी जान का खतरा बताया। हरदोई पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री, कार्यकर्ता ने मुकुट पहनाकर किया स्वागत, ग्राम पंचायत कार्यालय के किया उद्घाटन। कावड़ यात्रा में ड्रोन से हो रही शहर की सुरक्षा, मेरठ में शांतिपूर्वक हो कावड़िया यात्रा इसलिए ड्रोन से हो रही निगरानी। बागपत के रेटौल में सड़क पर जलभराव, कावड़ियों को निकालने से हो रही परेशानी, डीएम से लोगों ने की सफाई की मांग। उत्तर प्रदेश की 75 जिलों से 75 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।